मुजफ्फरपुर में मुखिया ने फहराया उल्टा झंडा, उतारने के दौरान जमीन पर भी गिरा, फिर सीधा कर फहराया गया। मुजफ्फरपुर के एसआई सीसीटीवी में रिश्वत लेते कैद, फाइनल रिपोर्ट भेजने के नाम पर की अवैध उगाही, सदर में थाने में तैनात है एसआई, जांच शुरू। बिहार यूपी में रेलवे परीक्षार्थी हिंसक, परीक्षार्थियों पर रोक के बावजूद गया में फर्कों की गई बोगियां, रेल मंत्री बोले रेलवे आपकी संपत्ति से सुरक्षित रखें। सीतामढ़ी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष की लेट लतीफी के कारण रुका झंडा तोलन, सीतामढ़ी में जिला पंचायत कार्यालय में लेट से फहराया गया तिरंगा, वरीय अधिकारी बने रहे मूक दर्शक। 100% वैक्सीनेशन के लिए सरकार तैयार कर रही नया नेटवर्क, की 11 करोड़ का आंकड़ा पार होने के बाद तेज नहीं हो पाई कोई रफ्तार। वैशाली में पोल से टकराई कार, युवक की मौत, बिजली के पोल पर लगे होर्डिंग का सरिया सिर में घुसा, घटनास्थल पर गई जान। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की ऐप से होगी मॉनिटरिंग, परीक्षा सुचारू रूप से कराने के लिए ऐप से निगरानी, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। 27 जनवरी से होगी डीएलएड की कॉपियों की जांच, फर्स्ट और सेकेंड ईयर के उत्तर पुस्तिकाओं का होगा मूल्यांकन, 10 बजे से योगदान देंगे परीक्षक। पुलिस छावनी में तब्दील हुआ नवादा रेलवे स्टेशन, चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती, रेलवे को 3 करोड़ का नुकसान, 4 को भेजा गया जेल। समस्तीपुर में छात्रों के उग्र प्रदर्शन के बीच खौफ के 4 घंटे, पथराव और आक्रोशित भीड़ ने रोकी 4 घंटे ट्रेनें, पैसेंजर्स ने कहा दूसरे की मजबूरी भी समझनी चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थी अब क्या करें, रेल मंत्री ने 16 फरवरी तक शिकायत कमेटी में दर्ज करने को कहा, 4 मार्च तक कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। 116 पंचायतों को मिला 23 करोड़ 60 लाख 40 लाख में करना होगा पंचायत सरकार, भवन का निर्माण लागत है 1 करोड़ 44 लाख। तेज प्रताप ने सरकार को दी नसीहत तो हुए ट्रोल, युवक ने कहा सड़क पर उतरना सीखिए तभी लालू जी जैसा नेता बन पाइएगा। छात्रों के आंदोलन की जीत, रेलवे ने छात्रों के आरोपों के समाधान के लिए बनाई कमेटी, एनटीपीसी लेवल 2 की परीक्षा स्थगित। 29 जनवरी से ठंड के लिए रहे तैयार, बिहार में फिर तापमान में आएगी कमी, सताएगी कपकपाने वाली ठंड। आरा में आक्रोशित कैंडिडेट्स ने ट्रेन में लगाई आग, 5 घंटे किया जाम, कई पुलिस वालों पर हमला, काबू में लाने के लिए बरसी लाठियां। खगड़िया में सीओ और थानेदार ने तिरंगा को किया अपमान, ध्वजारोहण के बाद पहुंचे थे जमीन को विवादित बताते हुए गिरा दिया झंडा। बिहार में रेलवे परीक्षार्थियों का हिंसक प्रदर्शन, आज भी ट्रैक पर उतरे अभ्यर्थी, जहानाबाद और समस्तीपुर में रोकी ट्रेनें, आगजनी भी की। वैशाली में पिकअप ने महिला सिपाही को मारी ठोकर, पुलिस लाइन जा रही थी तेज रफ्तार, पिकअप ने मारी टक्कर, वैन जब्त, चालक व खलासी गिरफ्तार। बेगूसराय में 4 अपराधी गिरफ्तार, लूट और हत्या के कई मामलों में आरोपी, पुलिस ने हथियार भी बरामद किया। सीवान में जेडीयू जिला उपाध्यक्ष के स्टाफ को मारी गोली, बाइक पर सवार होकर गांव जा रहा था बाइक सवार, बदमाशों ने घेर कर दागी गोली। सड़क हादसे में इंटर के छात्र की मौत, मधुबनी में परीक्षा खत्म होने के बाद तीनों दोस्त जा रहे थे घर, ट्रक ने मारी ठोकर, 2 घायल। गणतंत्र दिवस पर 3 बच्चे समेत 4 झुलसे, लोहे की पाइप में लगा रहे थे झंडा, बिजली की चपेट में आए 1 बच्चे की मौत। शेखपुरा में फिर मिले 12 नए कोरोना पॉजिटिव, सक्रिय मरीजों की संख्या 109 हुई, 0.72% की दर से बढ़ रहा संक्रमण। बिहार यूपी में रेलवे परीक्षार्थी हिंसक, बिहार के गया में स्टेशन पर ट्रेन फूंकी, यूपी में भी कई जगह प्रदर्शन, रेलवे ने एनटीपीसी परीक्षा पर रोक लगाई। वैशाली में ध्वजारोहण के बाद आरजेडी नेता को मारी गोली, पंचायत भवन में गणतंत्र दिवस मनाने पहुंचे थे, सीने में गोली मारकर बाइक सवार फरार। राजगीर के विरायतन प्रमुख आचार्य चंदन आश्री को पद्मश्री सम्मान, महाराष्ट्र के निवासी पर बिहार को मानती है कर्मभूमि, 53 साल से कर रही है सेवा। दानापुर में 2 गुटों के बीच में गोलीबारी, महिला के साथ छेड़खानी के बाद चली गोलियां, रोड़ीबाजी भी की गई, 3 युवक घायल। पटना बाईपास में बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, लोगों का दावा जेडीयू का बैनर लगे स्कॉर्पियो की निशाने पर, पुलिस ने बताया हर्ष फायरिंग। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की ऐप से होगी मॉनिटरिंग, परीक्षा सुचारू रूप से कराने के लिए ऐप से निगरानी, शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।